एसबीएस न्यूज़ सच का साथी। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, आज हम ऐसी खबर ही आपको दिखाएंगे जो बेहद ही दर्दनाक है और एक महिला की खबर है जो अपने 1.5 वर्ष के बच्चे को हमेशा के लिए खो चुकी है। एक तरफ सरकार जहां बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं देने के लिए सरकारी अस्पतालों में जाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो वहीं एक ऐसा मामला उन्नाव से सामने आया है जहां पर 1.5 माह के बच्चे को 9 माह का टीका लगा दिया गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्नाव जिले की, जहाँ पर एक CHC अस्पताल में वहाँ पर रहने वाले एक व्यक्ति को बुलाया गया और उसके बाद वहाँ पहले उसके साथ में डॉक्टरों द्वारा अभद्रता की गई। इसके बाद उस बच्चे को जो 1.5 माह का था उसे टीका लगवाने के लिए तो वहाँ के चिकित्सक राजी हुए, लेकिन उसके बाद उसको 1.5 माह की जगह 9 माह का टीका लगा दिया गया। इसके बाद बच्चे की मात्र 4 घंटे बाद ही मौत हो गई। इससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं से लेकर कहीं तक अच्छी नज़र नहीं आ रही है। पीड़ित व्यक्ति राजेंद्र द्वारा कई बार इस बात की शिकायत की गई और ये शिकायत उन्होंने SP से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोगों से की, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो पाई है, जिससे लगता है कि उत्तर प्रदेश की शासन की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और आने वाले समय में वो अपनी इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज के समय में पीड़ित व्यक्ति राजेंद्र अपनी पत्नी नीलम के साथ दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आइए आपको दिखाते हैं कि पीड़ित परिवार का क्या कहना है, क्योंकि 2 बेटियों के बाद मात्र एक बच्चा जो लड़का था वो हुआ और सरकारी अस्पताल की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई, और वो भी इस वजह से कि सरकार कई बार कहती है कि टीकाकरण कराएं, टीकाकरण की वजह से ही एक बच्चे की मौत हुई, जिसकी वजह से ये सवाल उठता है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। क्या मामला है, क्या हुआ था, क्या बात थी? जी सर, हमने टीका लगवाने गए थे बच्चे को सफीपुर से डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। जी सर, उसने बोला कि टीका यहाँ नहीं लगेगा, सफीपुर आप गांव में लगवा सकती हैं, यहाँ नहीं लगेगा आपके बच्चे का टीका वहीं लग। तो हमने बोला कि यहाँ नहीं, कहीं भी लगवा सकते हैं। तो दूसरी औरतें ने भी बोला कि कहीं भी नहीं, कहीं भी हम लगवा सकते हैं बच्चे को, का है चाहे जहाँ भी लगवा सकते। तो उसने बोला नहीं, यहाँ नहीं लगाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हमने बोला टाइम नहीं तो आप मत लगाइए। तो उसने हमारा कार्ड रखा था तो फेंक दिया। उसने जब फेंक दिया तो हमने उठा के जब चल दिया तो मेरे बच्चे को सर उसने गाली वाली दिया, गाली दे के मेरा कार्ड छिना के मेरे बच्चे को जबरदस्ती टीका लगा लिया। मैंने बोला नहीं, अब लगाओगी नहीं लगाओगी, अब बोलती नहीं लगाएंगे तो हम नहीं किसी से बताएंगे जाके। तो उसने मेरा कार्ड छिना के जबरदस्ती लगाया, बोलती अब टीका बच्चे को लगाना, कहीं भी बताना भी मत। तो हमने कहा कि क्यों, कहने लगी नहीं टीका कहीं बताया नहीं जाता, बच्चे को बुखार आएगा, सब कुछ आएगा, 24 घंटे में बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। हमने कहा नहीं ठीक होगा तो आपके पास फिर आएंगे। तो कहने लगी नहीं आएंगे तो बच्चा हमारा बहुत फेंकता था। तो फिर हमने 1 घंटे बाद उन्हीं के पास NM के पास गए तो NM बोली नहीं बच्चे को बुखार आएगा, सब कुछ आएगा, 24 घंटे में बच्चा ठीक होगा। सर बच्चा हमारा 2 घंटे बाद हमारा बच्चा ही ख़त्म हो गया था। मामला सर ये था, हम सफीपुर में एक CHC स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ हम लोग टीका लगवाने गए थे। वहाँ एक NM है, वो कार्ड देखा तो कार्ड पे लिखा था पीखी, तो हम पीखी गांव के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल हम सफीपुर में रहते, जगदीश खेड़े में, वहीं सफीपुर में। तो वहाँ टीका जब उन्होंने कार्ड देखा तो कार्ड देखते ही कार्ड फेंक दिया, कार्ड छीन के उस पर कुछ भी चढ़ाया, बाद में बच्चे को जल्दी जल्दी टीका लगा दिया। बाद में बोली 24 घंटे के बाद ठीक हो जाए, बुखार उखार आए तो डरना मत। 2 घंटे के बाद हालत बिगड़ी तो हम लोग गए वहाँ, तो फिर उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, जब देखो चले आते हो ड्रामा बनाने, ऐसा है वैसा है। उसके बाद में हम लोग दिखाना दिखाना मत, बच्चे को ठीक हो जाएगा, 24 घंटे के बाद ऐसा होता है, तो हम लोग चले गए। बाद में वो बच्चा खत्म हो गया।